ड्यूसॉफ्ट इंग्लिश इंटरेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन ओवरव्यू। इस वीडियो में मैं इंग्लिश का जो ड्यूसॉफ्ट में ऑनलाइन इंटरेक्टिव एजुकेशन उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे कैसे इसमें क्या है, तो वो क्या थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू केवल दूंगा, ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दूंगा, सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए वेबसाइट ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ से वेबसाइट ओपन किया मैंने, ओवरसीज यहाँ पर एजुकेशन है, एजुकेशन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कर सकते हैं मेंबर में ग्लोबल नहीं देना है, इंडियन डालिए। यहाँ पर ये ओपन हो गया है, आप यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज ट्रेनिंग में आपका फोनेटिक साउंड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, तीनों का थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले फोनेटिक साउंड में चलते हैं। यहाँ पर आप इसका रिक्वायरमेंट सब देख लीजिए अच्छे से। ये लोड हो रहा है, दिस रिकॉर्डिंग इज कॉपीराइट, कैसेट वन साइड वन, प्रैक्टिस टेस्ट वन। इन दिस टेस्ट यू आर गोइंग टू हियर अ नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स, एज यू लिसन यू विल हैव टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू हियर। Before each recording, you will have some time to read the instructions and the questions. ये सब इंस्ट्रक्शन याद दे रहा है, इसके साथ ही फिर हम चलते हैं पीछे, इसके ग्रामर मेडी जी में चलते हैं, इंट्रोडक्शन में चलिए दिखाता है। Do you want to ensure that you are clear and easily understandable? Then you need to refresh your knowledge of usage, sentence patterns, and grammar. Hi, my name's Nick Allen, and I'm going to walk you through some basic rules for correct business writing, or what I call grammar fundamentals. Today, I'll take you through the rules for choosing the right word, sentence structure, and The dictionary is an essential reference tool to help you choose the right word and use it properly. In dictionary, dictionaries range in size. Dictionary. Let's look at a fairly typical dictionary. The next section is the pronunciation. The various definitions come after the inflective. ठीक है, ये हो गया आपका फोनेटिक साउंड्स में चलते हैं। Introduction to the vowel O. Introduction to the vowel A. F A N fan. Introduction to the vowel U. चलते हैं,
दूसरे में चलते हम लोग, डेली लाइफ। यूज के बारे में बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं टीम इंग्लिश। ये सब कुछ एक्टिविटी हैं जो कि करने से काफी बेनिफिट मिलता है एजुकेशन लेने में, तो वो चीज़ इसके बारे में भी आपको बहुत सारे एक्टिविटीज इसके बारे में शेयर किया गया। तो ये सब कुछ एक्टिविटी है जिसको आपको खेल खेल में आप इससे एजुकेट हो सकते हैं। ठीक है, वॉक विथ मी, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, तो इससे आप जो है आप सीख सकते हैं। द बॉय इज टॉल, सब सही है, सही है। तो ये खेल खेल में सीखने का एक नया तरीका है आपको। ठीक है, द गर्ल इज शॉर्ट, तो इसको कहा जाता है जंबल वर्ड्स। हेलो, हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा इसमें। अब चलते हैं इंग्लिश ट्रेनिंग में। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ बिगनर्स लेवल का है। मॉडल तीन मॉडल है, बिगनर लेवल, एडवांस लेवल, एक्सपर्ट लेवल। तो बिगनर्स में चलते हैं। यहाँ देखिए दिया गया एवरीडे वर्ड्स, यूज वर्ड्स, लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। लोडिंग हो रहा है, 47% हो गया है, 77% हो गया। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातों में इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द और छोटे मोटे सेंटेंसेस बोलने और समझने में भी मुश्किल होती है, तो आप इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे अपने माहौल से जुड़े आसान शब्द और वाक्य, यानी नीड बेस्ड इंग्लिश, आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बोले जाने वाली इंग्लिश इस मॉड्यूल में है। Meet and greet, family and friends, home, sweet home, help as well, meet, module 2, advanced, अगर आपको basic English आती है, लेकिन fluent नहीं है, English पढ़ चुके हैं, पर बोलते समय अटकते हैं, या फिर English समझते पर बोल नहीं पाते, advanced module में आप सीखेंगे अपने बाहरी माहौल से जुड़े शब्द और वाक्य, ग्रामर, वोकैबुलरी और बहुत कुछ, स्कूल एंड कॉलेज, जॉब्स एंड ऑफिस, सिल्क, कॉटन एंड केचप, शॉपिंग अराउंड द वर्ल्ड, ट्रैवल, ईटिंग आउट, फूड, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, मनी मैटर्स, लैंग्वेज ऑफ मनी, न्यूज एंड व्यूज, एंटरटेनमेंट एंड sentence power part 1, how's that, all about sports, comprehension, sentence power part 2, opportunities, all about careers, word power A to N, my India, my country, how to use your dictionary, word power N to Z, emotions, express yourself, module 3, experts,
अगर आप अपनी फ्लुएंट इंग्लिश को बनाना चाहते हैं इंपेकेबल, तो एक्सपर्ट्स मॉड्यूल आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स मॉड्यूल डायरेक्टली स्टडी करना चाहते हैं, तब भी आप एक बार एडवांस्ड मॉड्यूल जरूर देख ले। आप रियलाइज करेंगे कि एक्सपर्ट मॉड्यूल को समझने में एडवांस्ड मॉड्यूल से आपको बहुत मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स मॉड्यूल में आप सीखेंगे लेटर राइटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, एडवांस्ड वोकैबुलरी एंड ग्रामर, एंड दैट्स नॉट ऑल। In this level, you will be able to evaluate your English speaking skills too. Expert module mein hai sentence power part 3, yours truly, forming and इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या आप सीखेंगे, किस मॉड्यूल में क्या क्या आपका है टॉपिक्स, तो वो आपको इसमें बताया जा रहा है, उसके अनुसार ही आपको इसमें पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। फॉर्मल लेटर राइटिंग सेंटेंस पावर पार्ट 4, कीप स्माइलिंग, पर्सनालिटी डेवलप, टेक द माइक, पब्लिक स्पीकिंग, वर्ड पावर ए टू एन, शुगर एंड स्पाइस, idioms and phrases for lasting impressions, word power end to set, and test your English. तो इस तरह से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या टॉपिक्स वगैरह है, ये सब छोटा सा ओवरव्यू था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी तक आपको बताया भी नहीं है, तो ये ओवरव्यू केवल मैंने आपको दिया है समझने के लिए और इसको कैसे स्टार्ट करना वो बताने के लिए, ठीक है।